Okay, students, now we are going to start with the new topic, which is types of retail trade. Okay, so there it is, types of retail trade. So in the types of retail trade, we have two different types of retail activities which are happening these days. Okay, one is your itinerant retail trading, okay, and another is your fixed shop retail trading activity. Okay, so there are two different types of trading activities are happening. One is itinerant trading and another one is fixed shop retail business. Okay, so these are the two different types of retail trading activities. Now first of all, we are going to discuss the itinerant retail trading activity. Okay, so these are the traders, these are the retail traders who doesn't have a fixed place from where they carry out their trading activities. That means these traders keeps on moving from locality to locality on daily basis to sell their products. Okay, तो इनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, ये एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी मूव करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. तो ये आपके पास जो रिटेलर्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं. ओके, तो कुछ इनके फीचर्स हैं जिससे हम और क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट आर द इटिनरेंट रिटेलर्स. इनके फीचर्स कुछ स्पेशल हैं विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग what are these itinerant retailers are. Okay, first feature of these is these retailers carry limited stock on daily basis. अब जो हॉकर हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, ओके, वेजिटेबल सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, यू विल सी देम, दे आर कैरिंग गुड्स विद देम ऑन रेगुलर बेसिस, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक, सो दैट दे क्लियर आउट दैट स्टॉक ऑन डेली बेसिस, अदरवाइज दैट विल गो वेस्ट एंड विल नॉट प्रोवाइड दैट बेनिफिट, ओके, which they can earn from that. तो मतलब नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर वो goods को अपने पास maintain करते हैं for a longer time period, ज़्यादा stock carry out करते हैं तो उनको ज़्यादा problems होने के chances हैं. तो इनके पास पहली aspect क्या है कि जो stock है
वो लिमिटेड रहता है इनके पास. ओके, दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग. सेकेंड इज दे डील इन पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ओके, जो क्वालिटी भी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती है. एवरेज सी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके जिनमें ये डील करते हैं, चीप प्रोडक्ट्स होते हैं. तो अब इनको हम कह सकते हैं दे आर डीलिंग इन चीप प्रोडक्ट्स. ओके, और दी प्रोडक्ट्स विच आर कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली. ओके, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. ओके, आई ई टॉयज. ओके, जो टॉयज लेस कॉस्टली टॉयज हैं वो ये डील करते हैं. तो ये आपके पास इसका एक अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है. ओके, दे अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज दीज जनरली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस. ओके, ये क्रेडिट पे डीलिंग नहीं करते हैं, ये कैश बेसिस पे डीलिंग करते हैं. दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दे मेक गुड्स अवेलेबल एट डोर स्टेप. सो ऑल दीज आर वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर्स एंड डेली टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स विच आर देयर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर देयर ऑफ लेस प्राइस और चीप क्वालिटी. ओके, दे आर बींग मेड अवेलेबल इन द बाईलेन्स ऑफ योर होम्स एंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस यू विल फाइंड दैम. दीज पीपल कैरी गुड्स सो दैट देर इज नो डिफिकल्टी विद द कस्टमर टू कम एंड बाय दीज प्रोडक्ट्स. लाइक इफ यू वॉन्ट टू बाय नर्सरी प्रोडक्ट्स, ओके, लाइक प्लांट्स आर देयर, और यू वॉन्ट टू बाय दी अदर एक्सेसरीज रिलेटेड टू प्लांटेशन, दैट इज बींग प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस बाय दीज टाइप ऑफ सेलर्स. तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. ओके, एंड दीज आर सेलिंग प्राइसेस एट लोअर प्राइस एज कम्पेयर टू फिक्स्ड प्राइस शॉप्स. ओके, के जो प्रोडक्ट आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आपकी शॉप पे आपको स्लाइटली कॉस्टली मिलेंगे, यहाँ आपको स्लाइटली चीपर मिलेंगे बिकॉज दे डोंट हैव टू पे दी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट. मीन्स जो आपने शॉप इस्टेब्लिश किया है, जो आपने लैंड परचेज किया है, बिल्डिंग क्रिएट किया है, उसका जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो एड ऑन नहीं होती है इनके प्रोडक्ट में. सो दैट्स वाई देयर प्रोडक्ट इज कंपेरेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू ए फिक्स्ड शॉप रिटेलर. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें इटिनरेंट रिटेलर के बारे में बताते हैं कि इटिनरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं और वो कैसे होते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी मूव करते हैं एंड दे आर डीलिंग इन डेली प्रोडक्ट्स. ओके, टू सेल देयर प्रोडक्ट डेली बेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये डील करते हैं. सो दैट इज व्हाट द इटिनरेंट रिटेलर्स आर. ओके, अब आगे हमारे पास इटिनरेंट रिटेलर्स की टाइप्स हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं. व्हाट आर दोस टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स.
So there are various types of such retailers. Who are those retailers? Okay. First one is your hawkers and peddlers. Hawkers and peddlers, market traders. Okay. Another one is your street traders. And then there is cheap jobs. Okay. तो ये हमारे पास चार तरह के इटिनी रेंट रिटेलर्स हैं. ओके, तो हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या क्या रोल है, किसका क्या क्या रोल है. तो ये हमारे पास है दिए हुए. फाइन. तो फर्स्ट थिंग इज हॉकर्स एंड पेडलर्स. ओके, those retailers who carry goods on cycle, cart or on their heads and move from one locality to another to sell their products are known as hawkers and peddlers. ओके जी, तो ये हमारे पास क्या है, हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं जो साइकिल पे, कार्ट पे या ऑन देयर हेड्स दे आर कैरिंग द गुड्स. ओके, एंड दे आर सेलिंग इट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी. सो ये आपके पास है. फाइन. अब इसके फीचर्स क्या हैं? First is the deal in daily need products. Okay, like fruits, vegetables. Okay, or certain other food articles. Articles or toiletry products, comma stationery products. तो ये सबसे पहली चीज है, फ्रूट्स वगैरह इसमें ये डील कर. सेकेंड इज दे डील इन चीप प्रोडक्ट्स. ज्यादा कॉस्टली फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे इनके पास. ओके, ना ज्यादा कॉस्टली, लाइक इफ ग्रेप्स ऑफ 300 रुपीज पर केजी, वो नहीं मिलेंगे इनके पास. आपको सीजन का फ्रूट मिलेगा, सीजन की वेजिटेबल मिलेगी, ऑफ सीजन फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं मिलेंगे आपके पास. इनके पास कोई ऐसे फूड आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे जैसे पैक्ड फूड, वो नहीं मिलेगा. यू विल गेट ओनली चीप प्रोडक्ट्स, मतलब चीप कॉस्ट वाइज आपके चीप होंगे. ओके, एंड अनदर थिंग इज क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज कंपैरेटिवली comparatively low. Okay,
they sell goods on cash basis. Okay, तो कैश बेसिस में बेचते हैं, क्वालिटी लो होती है कंपैरेटिवली, ओके, और करते चीप प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट, और यहाँ पे दे डील इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड, आप अगर क्लॉथ्स लेने जाओगे इनके पास, ओके, तो ये ऐसे लोग क्लॉथ गारमेंट भी सेल ऑफ करते हैं, ओके, रेडीमेड गारमेंट्स. तो साइज में आप ये नहीं कह सकते कि जो साइज आपने मांगा वो कन्फर्म्ड साइज है, नो, दैट इज ए नॉन स्टैंडर्ड. 38 मतलब 38 नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे आर अवेलेबल विद दैम. सो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आर देयर, तो ये उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, फाइन. एंड अनदर इज दे आर अवेलेबल, यू कैन फाइंड देम, दे कैन बी सेलिंग गुड्स नियर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, थिएटर, बिजी मार्केट एरियाज, ऑफिस एरियाज. तो ये है आपके कुछ फीचर्स, हॉकर्स एंड पेडलर्स. ओके जी, अब आ जाते हैं हम मार्केट ट्रेडर्स के पास. ओके, हम इन्हें वीकली मार्केट ट्रेडर्स भी कहते हैं. वीकली मार्केट ट्रेडर्स भी बोलते हैं. इसका मतलब है दोस ट्रेडर्स विच हु आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट लोकेलिटी. ओके, मतलब आज संडे अगर वो एक एरिया में है तो मंडे किसी और एरिया में, ट्यूसडे किसी और एरिया में, तो ये चेंज करते रहते हैं. ओके, पीरियोडिकली ये अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं, फाइन. या तो ये मंथली भी शिफ्ट कर सकते हैं, एनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं. तो मतलब पीरियोडिकली इनका चेंज ओवर है कि ये एक पर्टिकुलर डे पे कहीं से कहीं मूव करते हैं. ओके, तो इनके पास बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्स इनके पास क्या हैं? दे डील इन फैब्रिक, टॉयज, टेराकोटा गुड्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा. ओके, सेकेंड दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद देम आर चीप एंड दे सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस. ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा इसके पास है, फाइन. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ओकेजन्स like
on Diwali, Dashehra, New Year, ये कुछ ऐसा सिस्टम है इनके पास. ओके एंड दे जनरली कैटर टू लो इनकम तो ये आपके पास हैं. ओके जी तो ये वीकली मार्केट ट्रेडर्स हैं. फाइन अब हम आ जाते हैं दूसरे क्या है स्ट्रीट ट्रेडर्स और आपके पास पेवमेंट वेंडर्स कहते हैं. ओके स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेवमेंट वेंडर्स हाँ जी स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन से हैं दोस ट्रेडर्स विथ आर हू आर अवेलेबल ऑन द बिजी जंक्शन of locality or near offices, comma bus stand, railway station, etc. तो ये busy junctions पे शहर के मिलेंगे आपको. okay कॉर्नर्स पे कुछ ऐसे बिजी कॉर्नर्स हैं जो सिटी में वहाँ ये मिलेंगे और ये क्या बेचते हुए मिलेंगे आपको. ओके कैसे आइडेंटिफाई करोगे दे विल बी सेलिंग न्यूज़पेपर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स Eatables, okay, fast food जो बनता है okay, locality के corner में आपको टी points पे junctions पे okay, वहाँ पे एक मिल जाएगा evening में tire puncture वाला मिल जाएगा वो वहीं पे रहेगा okay, या एक corner पे चाय वाला मिल जाएगा वो वहीं पे रहेगा okay, टी point के मतलब जहाँ जो थोड़ा अनकंस्ट्रक्टेड एरिया है थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है एक टी वेंडर मिल जाएगा आपको एक स्कूटर मेंटेनेंस वाला मिल जाएगा ओके या आपको वहाँ पे कॉबलर मिल जाएगा या वहाँ पे आपको ये फास्ट फूड लाइक पानी पूरी वाला या और जितने भी लोग हैं वो मिल जाएंगे अपना प्रोडक्ट बेचते हुए. तो ये जो हैं न्यूज़पेपर मैगजीन गारमेंट्स भी बेचते हैं ओके तो ये उस जगह पे आपको रेगुलरली मिलेंगे ओके तो सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ओके तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये वाले जो ट्रेडर्स हैं ये पर्टिकुलर टी पॉइंट पे ओके ऑन डेली बेसिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 5 बजे 6 बजे या अर्ली मॉर्निंग ये वहीं पे मिलेंगे उससे और किसी जगह नहीं मिलेंगे ओके एंड दे डील इन लो प्राइस गुड्स ओके तो ये तो है हमारे पास स्ट्रीट ट्रेडर्स जो स्ट्रीट के कॉर्नर स्कूल्स के पास कॉर्नर पे मिलेंगे ओके
या फिर आपको स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे, जैसे आपको एक द पर्सन हु इज इन टू लाइक मिल्क सप्लायर्स, देन टी वेंडर इज देयर, और देन अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन टू इन टू वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ योर क्लॉथ्स, ओके, आयरनिंग ऑफ योर क्लॉथ्स, ओके. सो दैट पर्सन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस जंक्शंस. तो ये एक ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको रेगुलरली मिलेंगे, ओके. सो दीज आर व्हाट द स्ट्रीट ट्रेडर्स आर. देन देयर इज लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स, दैट इज चीप जैक्स. Okay, so the last is cheap jacks, okay. These are the traders who hire a fixed place in the locality for certain time period, okay, and then move out of that locality to another when they feel that business opportunities have shrinked in a particular locality, okay. तो ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कोई फिक्स्ड प्लेस हायर कर लेते हैं, वहाँ रहते हैं और वहीं से गुड्स बेचते हैं फॉर ए टाइम पीरियड, जब तक उनको लगता है कि यहाँ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. और जब उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, स्पीड श्रिंक कर गई है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, देन दे वाइंड अप देयर बिजनेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया एंड मूव आउट टू दी अदर एरिया, ओके. तो इन्हें चीप जैक्स कहते हैं. So that is first. So the features are, okay, they trade from a fixed place, okay, i.e. they lease out a small constructed area to sell their products, okay. In this process they display those goods to be sold, okay. Second kya hai, they deal in household goods in general terms. Okay.
and third is they move out of the locality once business shrinks. तो ये हैं आपके पास itinerant retailers, okay? तो ये एक जगह से दूसरी जगह shift कर जाते हैं। अब hawkers and peddlers के तो हमने example समझ लिए थे। मार्केट ट्रेडर्स में हमने क्या कहा था कि ये वीकली मार्केट हैं। इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि आपके पास कोई शॉप्स, मान लीजिए कि ओल्ड बुक्स की शॉप्स हैं, वो संडे किसी एक लोकेलिटी में हैं तो मंडे किसी और लोकेलिटी में, ट्यूसडे किसी और लोकेलिटी में, तो इस तरीके से वो मूव ऑन करते जाते हैं। ओके, ओल्ड क्लॉथ्स, ओल्ड बुक्स और वेरियस अदर सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दे मूव ऑन। देन देर आर स्ट्रीट ट्रेडर्स, तो जनरली यू हैव सीन, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। एंड देन देर आर चीप जैक्स, मीन्स देर इज ए पर्सन हु इज डीलिंग इन टू योर प्रोडक्ट्स लाइक शूज और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टॉयज और स्पोर्ट्स आस्पेक्ट्स आर देयर, और जूस शॉप इज देयर, और ए कन्फेक्शनरी शॉप इज देयर। तो ये एक फिक्स्ड स्पेस से अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं और वो तब तक रहते हैं उस एरिया में जब तक वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। व्हेन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्क्वीजेस इन ए पर्टिकुलर एरिया, दे मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो ये है आपके पास इटिनरेंट रिटेलर्स। ओके, देन आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स।